अब परमेश्वर के वचन में चलिए। मेरे साथ निकालिए का व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसका 2 पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। परमेश्वर कलाम कहता है कि वो 39 वर्षों में अपनी कौम इज़राइल को जंगल के मार्ग से इसलिए लेके आए कि वो उसको नम्र बनाए। हालेलुया। कि वो उसको नम्र बनाए और उसके मन के भेद को जान सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे जब हम आज मनन करने जा रहे हैं तो आज मैं बात करना चाहता हूं नम्र बनने की। मालूम है नम्रता के विपरीत एक बात होती है, वो होता है घमंड अर्थात प्राइड। मेरे प्रियो, आज मैं बात करने जा रहा हूं घमंड के विषय में। परमेश्वर को यह आवश्यकता अपनी कौम के लिए थी कि वो उसे जंगल में लेके जाए और इसलिए लेके जाए कि उसकी कौम इज़राइल नम्र बन जाए। मालूम है परमेश्वर कलाम में लिखा है कि वो परीक्षा करके जान ले, जंगल में इसलिए रखा कि परीक्षा करके जाने कि उनके मन में क्या है, अर्थात वो नम्र है या घमंड से भरे हुए हैं। आज मेरे प्रियो, अगर आप जंगल से होके गुजरते हैं अर्थात परीक्षाओं से होके गुजरते हैं, तकलीफों से होके गुजरते हैं, तो निश्चय जानिएगा कि परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहे। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न कर रही है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमारे जीवन से उस घमंड की बातों को अलग कर दे। हो सकता है बहुत अच्छे सेवक हो सकते हैं बहुत अच्छे आराधक हो सकते हैं बहुत अच्छे सुनने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये घमंड वास करता है। और जब तक हमारे जीवन में घमंड वास करता है, मालूम है हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, हम सच्चे परमेश्वर को देख नहीं सकते। आज मैं बात करना चाहता हूं कि आज प्रभु में हमें नम्र बनना है, आज हमें परमेश्वर में दीन बनना है। मालूम है परमेश्वर के कलाम में लिखा है यशाया उसके 6 अध्याय उसके 1 से 5 पद के बीच में पढ़िएगा। परमेश्वर कलाम कहता है जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर कलाम कह रहा है जिस वक्त राजा उज्जिया मरा, अर्थात राजा उज्जिया के विषय में हमने पढ़ा है बाइबल के अंदर कि वो राजा था जिसने बहुत अच्छा समय बिताया था, लेकिन एक समय के बाद इसका मन घमंड से फूल गया था। अर्थात परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जिस वक्त राजा उज्जिया मरा, आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं जिस दिन मेरे जीवन का राजा उज्जिया अर्थात जिस दिन मेरे जीवन का घमंड मर जाएगा, जिस दिन मेरे जीवन से घमंड खत्म हो जाएगा, उसी दिन मैं परमेश्वर को ऊंचे पे विराजमान देख लूंगा। हालेलुया। मालूम है मुझे दिखाई इसलिए नहीं देता है परमेश्वर क्योंकि मेरे भीतर घमंड भरा हुआ है, मेरे भीतर घमंड पाया जाता है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि वो उस घमंड को हटाए ताकि मैं और आप परमेश्वर को देख सके, उसके सिंहासन पर उसे विराजमान देख सके। आज के शाम में मेरे प्रियो, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे जीवन शायद आज की शाम तक ये सोचते हो उनके अंदर इस बात का घमंड हो कि अगर मैं कलीसिया के भीतर नहीं जाऊंगा, अगर मैं चर्च के भीतर नहीं जाऊंगा, हो सकता है वो ऑर्गन प्ले करने वाला हो और वो ये सोच रहा है कि मैं कलीसिया में नहीं जाऊंगा तो शायद आराधना नहीं होगी। वो शायद बहुत अच्छा वर्शिपर हो, गाने वाला हो और वो ये सोचता हो कि मैं नहीं गाऊंगा तो आराधना नहीं होगी। पर मालूम है परमेश्वर कभी भी ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रीति से अपना दर्शन नहीं देते जिसके भीतर घमंड था। मैंने एक खूबसूरत बात पढ़ी जो ये सोचते थे कि हमारे बिना चर्च में कुछ नहीं हो सकता, वो सब लोग कब्र में चले गए
चर्च आज भी खड़ा है। हालेलुया। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बिना काम नहीं चलेगा, मालूम है परमेश्वर उनके स्थान पे दूसरे को खड़ा कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी घमंड ना करें, कभी किसी बात का घमंड ना करें। अगर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है प्रचारक की रीति पर, आपको खड़ा किया है आराधक की रीति पर, एक अच्छे गाने वाले बजाने वाले की रीति पर, तो घमंड ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप उसके भवन में बजाते हैं, आप उसके भवन में गाते हैं। वैसे गाने बजाने वाले दुनिया में बहुत बड़े, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि हम उसके लिए आराधना करते हैं, हम उसके लिए गाते बजाते हैं, हम उसके लिए प्रचार करते हैं, हम उसके लिए जो कुछ भी करते हैं, हमें घमंड नहीं करना। एक कहानी को मैं आपके बीच में रखूंगा। मैंने बीते समय में एक कहानी को पढ़ा और मुझे इस कहानी ने बहुत आशीष दी। इसी के द्वारा मैंने आज इस वचन को तैयार किया। मैंने कहानी को पढ़ा, एक मास्टर जी थे एक गांव के भीतर, और उनके परिवार में एक बेटा था जो अपनी एजुकेशन पूरी कर चुका था, एक बेटी थी जो विवाह के लिए तैयार थी, उसकी शादी के लिए वो तैयार थी, और एक पत्नी थी उनकी। पूरा परिवार बहुत खुशी से रहता था, बहुत खुश रहते थे। एक दिन जाने अनजाने मास्टर जी के दिमाग में एक बात आई, उनके दिमाग में आया कि ये जो कुछ भी मेरे घर में है, जितनी भी चीजें हैं, ये मेरे द्वारा है, ये सब कुछ मैंने किया है, अगर मैं नहीं होगा तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। मैं ही इस घर का कर्ता धरता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ही द्वारा इस घर का पालन पोषण होता है। उनके दिमाग में ये घमंड चढ़ गया और वो इसी बात को लेके बहुत ज्यादा अपने जीवन में बदलाव को महसूस करने लगे। उनके परिवार वाले भी बदलाव को देखने लगे, वो चिड़चिड़े हो गए, घमंड से भर गए। और एक दिन वो गांव के ही भीतर एक स्थान पे पहुंचे और वहां पे कोई वक्ता प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने घमंड के विषय में बातचीत करी, उन्होंने घमंड के ऊपर कुछ बातों को बताया। और ये व्यक्ति जब उन बातों को इस व्यक्ति ने सुना, इन मास्टर जी ने सुना, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे जीवन में पाया जाता है, मैं इसके विषय में वक्ता से बात करूंगा, जो प्रवचन दे रहे हैं उनसे बात करूंगा। और जब सभा समाप्त हुई, वो व्यक्ति, वो मास्टर जी उनके पास गए, उस व्यक्ति के पास जो प्रवचन दे रहे थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने जो कुछ बोला बहुत अच्छा बोला, मेरे जीवन में भी मुझे लगता है कि मैं घमंड से भर गया हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिना मेरे परिवार का कुछ नहीं हो सकता, मेरे घर की चीजें सही नहीं हो सकती। तो जो प्रवचन दे रहे थे, जो वक्ता थे, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि आप इससे छूटना चाहते हैं? बोले हाँ। बोले मैं आपको उपाय बताता हूं। उन्होंने कहा तुम कुछ वर्षों के लिए इस शहर से बाहर चले, इस गांव से बाहर चले जाओ और कहीं शहर में जाके कोई दूसरी जॉब देखो और कुछ साल तक वहीं रहना, और आपको ये बताना नहीं है, बिना बताए आपको जाना है। वो कहते मेरे परिवार का क्या होगा? बोले वो मैं संभाल लूंगा, आप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। और वैसे ही हुआ, वो वहां से सीधे बाहर शहर चले गए और वहीं पे उन्होंने कुछ काम धंधा किया, जो टीचिंग की उनकी प्रोफेशन था वो उसी में चले गए। और इधर जो वक्ता थे, उन्होंने एक बात को बोला कि हमारे यहाँ पे शेर आया और एक हमारा भक्त जो टीचर था वो उसे खा गया। ये बात उस परिवार को भी पता चली, मास्टर जी के परिवार को पता चली, तो वो शोक से भर गए। उन्हें लगा अब हमारे पिता चले गए, पत्नी को लगा हमारे पति चले गए हैं, शोक में डूब गए। पर कुछ ही समय के बाद गांव वालों ने उनकी मदद करी, बोले आप परेशान नहीं हो, हम आपकी सहायता करेंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और लड़की की शादी कर दी, पैसा इकट्ठा करके लड़की की शादी कर दी। जो वहां के जमींदार थे उन्होंने लड़के को जॉब पे रख लिया, नौकरी पे रख लिया, सारी चीजें वापस खुशहाली में आ गई। कुछ समय के बाद ये मास्टर जी वापस आते हैं, ये मास्टर जी वापस आके देखते हैं कि अरे यहाँ तो सब लोग खुश हैं, सारी चीजें खुशहाली में हैं। अब वो अपने आप को लोगों पे प्रकट करते हैं, बताते हैं, मुझसे क्षमा मांगते हैं कि मैं क्यों चला गया था, क्या कारण था, बताते हैं मुझ में घमंड आ गया था। मालूम है जब उन्होंने देखा कि मेरे जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा,
सब कुछ खुशहाली से। उन्होंने इस बात को सीख लिया कि सब कुछ करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि आपके बिना कुछ करे कुछ नहीं हो सकता, आप चाहेंगे तो ही होगा, अपनी भूल को आज की शाम में इस स्थान पे छोड़ दीजिएगा। आज भूल जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आपको घमंड करने की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर कलाम में लिखा है, मनुष्य का घमंड करना अच्छा नहीं है। परमेश्वर कलाम में इस बात को लिखा गया है। मेरे प्रियो, नीति वचन 6 अध्याय के 17 पद में मालूम है, जब परमेश्वर ने इस बात को लिखा वचन के अंदर, उसने कहा कि मुझे 6 बातों से अर्थात 7 है जिनसे घृणा आती है। तो उसमें मालूम है पहली बात को परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़िएगा मैं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आग। परमेश्वर कहते हैं मुझे 6 वरन 7 बातों से घृणा है, जिसमें पहली बात है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को बर्दाश्त नहीं करते, ये उनकी दृष्टि में पाप के समान है। यदि आप घमंड करते हैं तो आप परमेश्वर से बहुत दूर होते चले जाएंगे। आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे जिस रूप में परमेश्वर है। मालूम है शैतान बड़ा चालाक है। आपने यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। वचन बताता है कि वो उसे ऊंचे कंगूरे पे ले गया, और उसे ऊंचे कंगूरे पे ले जाने के बाद उससे कहा कि तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। मालूम है एक अद्भुत बात है, ऊंचाई दर्शाती है आत्मिकता को, मंदिर का तंगूरा दर्शाता है आत्मिक जीवन को। यानी कि वो उसे ऊंचाई पर ले गया और उसे सब कुछ दिखा दे, उसको कहा तू यहां से अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, वो सिर्फ प्राइड में एक प्रदर्शन दिखा रहा था। ये प्राइड अगर प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ जाता तो वो कह देते कि हाँ मैं गिरा देता हूँ, दूध तो मुझे उठा लेंगे, मेरे को हाथों हाथ ले लेंगे, है ना। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, और परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है। कई बार मनुष्य के भीतर आत्मिक घमंड आ जाता है, उसमें घमंड आता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई प्रचार नहीं कर सकता, मुझसे बेहतर और कोई काम कर ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है नहीं, नहीं करना, क्योंकि अगर तू ये कर पा रहा है तो मेरा अनुग्रह है, अगर तू ये कर पा रहा है तो मेरा अनुग्रह। मेरे प्रियो, परमेश्वर के यहां घमंड का कोई स्थान नहीं। मेरे लिए एक जगह से पढ़ेगा नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 पद। विनाश से पहले कर और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। परमेश्वर कलाम में लिखा है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप घमंड में चल रहे हैं, यदि आपके भीतर अहंकार पाया जा रहा है आज की शाम तक, तो निश्चय जानिए प्रभु कह रहा है घमंड ठोकर खाने से पहले आ जाता है। यानी कि थोड़ा ही समय बाद शायद आप ठोकर खा जाएंगे, शायद आप थोड़े ही समय बाद गिर पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन आपको चेताता है कि हमें घमंड नहीं करना। हमें चेताता है परमेश्वर का वचन कि हमें किसी भी बात पर घमंड नहीं करना है। प्रभु के सामने हमें नम्र बनना है। मालूम है इज़राइल को इसीलिए 40 वर्षों से परमेश्वर ने घुमाया। परमेश्वर कलाम लिखा है, परमेश्वर कलाम में लिखा है कि मैं उनको नम्र बनाना चाहता, उनके अंदर भी घमंड पाया जाता था, अहंकार पाया जाता था। इसलिए परमेश्वर कलाम में लिखा है परमेश्वर उन्हें घुमाते रहे कि जब तक वो नम्र ना बन जाए। आज मेरे प्रियो, अगर आपके भीतर एक घमंड पाया जा रहा है, आज आपको लग रहा है कि आप सबसे अच्छे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं, तो आज परमेश्वर उस घमंड को तोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर से तोड़ना चाहते हैं और आपको नम्र बनाना, क्योंकि परमेश्वर कलाम में लिखा है परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, तब वो जिस समय पर तुम्हें बढ़ाकर शिरोमणि बना देगा। हालेलुया।
अय्यूब उसका 36 अध्याय और 8 से 11 पद। चाहे वे भेड़ियों में जकड़े जाए हाँ, और दुख की रस्सियों से बांधे जाए हाँ, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है जी। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है जी, और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। हालेलुया। अय्यूब 36 उसका 8 से 11 पद एक बार और जोर से पढ़ेगा। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं, चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं, और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है। तो भी परमेश्वर उन पर ये काम और अपराध प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यदि आप बेड़ियों से जकड़ लिए गए हैं, दुष्ट ने आपको अपने बंधनों में जकड़ के रखा है, और परमेश्वर आज की शाम में आपको ये बात प्रकट कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ एक है, जो आप बंधे बंधवाई में चले गए हैं, जो आप जंजीरों में हैं, कारण सिर्फ एक है। पढ़िएगा मेरा आगे, कि उन्होंने गर्व किया है। हालेलुया। परमेश्वर चिता रहे हैं, वो बंधवाई में इसलिए है, बंधनों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गर्व किया है, घमंड किया है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि आप घमंड करें, इसलिए वो अपना आपका अपराध आप पे प्रकट करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं उनका अपराध उन पर प्रकट करूंगा और उन्हें चिताऊंगा कि उन्होंने गर्व किया है। आगे, वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। आज की शाम में परमेश्वर आपके कानों को शिक्षा सुनने के लिए खोल रहा है, कि आपको इस शिक्षा पे मन लगाना है, कि अहंकार का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि हम गर्व करते हैं तो हम बंधवाई में चले जाएंगे, यदि हम अहंकार करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों में गिर जाएंगे। पढ़िएगा पहले, और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। कह रहे हैं यदि वो सुनकर मेरी सेवा करें, आज अगर आपकी बात सुनकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, चाहे बजाने के द्वारा, गाने के द्वारा, प्रचार के द्वारा, कह रहा अगर ये सुनकर कि गर्व नहीं होना चाहिए, ये सुनकर उसकी सेवा करोगे तो क्या होगा, तो वे अपने दिन कल्याण से, और अपने वर्ष, सुख से पूरे करते हैं, हालेलुया। यदि आप सुनकर ऐसा करते हैं तो आप कल्याण से और सुख से अपने वर्षों को पूरा करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रभु कि घमंड हम अपने जीवन में ना करें। एक और छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक बार एक महाराज हुए, एक राजा हुए, अब वो यात्रा पे निकले, उनके साथ उनके सेनापति थे, और जब वो सेनापति के साथ जा रहे थे, उन्हें रात में रास्ते में एक भिक्षुक मिले, और राजा उनके पास चले गए, उनको प्रणाम किया, दंडवत किया, झुक के उनके सामने अपने सर को झुका दिया। ये बात सेनापति को बड़ी अजीब लगी, और उन्होंने उस समय नहीं पूछा, क्योंकि भीड़ थी, उन्होंने पूछना उचित नहीं समझा। वो घर पहुंचे और सेनापति ने राजा से घर पे जाके प्रश्न किया और उनसे बोला कि राजा, आप तो राजा हैं, आपने एक भिक्षुक के आगे दंडवत क्यों किया, अपना सर अपने उसके सामने झुका दिया। तो राजा ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, एक थैला दूंगा, उसके भीतर पाए जाने हर एक सामान को आपको बेच के आना है, जब वो खाली हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। सेनापति को अजीब सा लगा। खैर, सुबह हुई, वो पहुंच गए, और जब वो पहुंचे तो सेनापति को उन्होंने एक थैला दिया, उस थैले के भीतर 400 थे। मैंने ये कहानी सुनी, YouTube पे ही सुनी, और बड़ी खूबसूरत बात थी, इसमें 400 थे, एक घोड़े का था, एक भैंसे का था, एक बकरे का था, और एक मनुष्य का था। और सेनापति लेके चले गए, बोले अजीब सा काम मुझे सौंप दिया। वो गए, खैर उन्होंने बताया, उन्होंने जाके मार्केट में दिया, तो मालूम है तीनों सर तो आराम से बिक गए, भैंसे का, घोड़े का और बकरे का।
तीनों सर चले गए पर मनुष्य का सर नहीं बिका। अब वो बड़े परेशान होकर वापस आते हैं राजा के पास। राजा से कहते, राजा कहते हैं जाओ दोबारा कोशिश कर जाओ। उठकर जाते हैं, पूरा मार्केट घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कोई उस सर को लेने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी उस सर को लेने के लिए तैयार नहीं होता। अब सेनापति वापस आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सब कुछ तो बिक गया पर ये नहीं बेच पाया, इसे नहीं दे पाया किसी को। मुफ्त में भी मैंने देना चाहा पर मैं मुफ्त में भी नहीं दे पाया, किसी ने लिया नहीं। तो उन्होंने पता एक बात कही राजा ने, राजा ने उनसे कहा कि आप सोच के देखो, जब मैंने मनुष्य का सर दिया अब कोई उसकी वैल्यू नहीं लगा रहा, कोई उसका पैसा भी नहीं दे रहा, इवन फ्री में भी कोई उस सर को नहीं ले रहा। तो अगर मेरा सर उसके सामने झुक गया तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मुझे किस बात का। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चाई है, हमें किस बात का घमंड करना है। वी आर डस्ट, हम मिट्टी हैं और हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। आज प्रभु नहीं चाहते मेरे प्रियो कि उसके बच्चे अहंकारी हो जाए, वरन परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो जाए, अर्थात हम अपने आप को नम्र और दीन बनाए। फिलिपियो उसका 2 अध्याय उसके 5 पद से पढ़ेगा। Yes. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये प्रिय परमेश्वर का कलाम है, कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, अर्थात वो नम्र और दीन था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन। जैसा उसका स्वभाव था वैसे मेरा आपका स्वभाव होना चाहिए। बड़े कहें जिसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने स्वरूप में होने पर भी अपने आप को उसके तुल्य न समझा। अद्भुत बात है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर होकर भी अपने आप को यहाँ तक नम्र बना सकता है, यहाँ तक दीन बना सकता है। तो मैं और आपके वजूद क्या है, हमें किस बात का घमंड होता है, हम किस बात में अहंकारी हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता। मेरे लिए एक जगह से पढ़ेगा और मैं इसे कंपाइल करता हूँ। ओब्रिया की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 3 पद। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है जी, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। तू मन में कहता है कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की ये वाणी। हालेलुया। आप घमंड मत करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कलाम कह रहा है तू उकाबों की तरह ऊंचा उड़ता हो, कितनी भी ऊंचाई पे हो, आज कितने भी ऊंचे पद पे तू पहुंच गया हो, कह रहा है तुझे घमंड नहीं करना क्योंकि मैं तुझे वहां से गिराने के लिए सामर्थ्य रखता हूँ। जब मैं तुझे वहां तक पहुंचा सकता हूँ, जब मैं वहां तक तुझे बैठा सकता हूँ, तो वहां से गिराने की भी सामर्थ्य मैं रखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो कि बढ़ती ना तो उत्तर से आती और ना पूरब से, पर परमेश्वर ही है जो एक को गिराता और दूसरे को उठा देता है। वही राजा को उदय, वही राजा को अस्त करता है। मेरे प्रियो, आज शाम मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इसराइल को नम्र बनाने के लिए जंगल में लेके आए, आज वो आपको नम्र बनाना चाहते हैं। आज भी वो समय खत्म नहीं हुआ, आज भी परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग नम्र बन जाए। बाले में जब यशाया में लिखा है जब राजा उज्जियाह मर गया, अर्थात परमेश्वर बताना चाहते हैं जब तुम्हारा घमंड बढ़ जाएगा तब तुम परमेश्वर को देख नहीं पाओगे, तब उसे ऊंचे सिंहासन पर देख नहीं पाओगे। मालूम है यशाया के भीतर भी एक कमी थी,
इसीलिए परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि जब उसने जब राजा उज्जियाह मरा उसने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पे विराजमान देखा। और आगे लिखा है जब आप पढ़ेंगे तो उसने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ जाता। एक दास ने बड़ी खूबसूरत बात बोली, बोले 5 अध्याय तक यशाया ने एक बार हाय बोला सब पे, हाय इन पर, हाय उन पर, हाय इन पर, सब जगह हाय हाय बोल रहा है। पर मालूम है जैसे ही उसकी भेंट परमेश्वर से हुई, जैसे ही उसकी रूबरू मुलाकात परमेश्वर से हुई, अपने आप को 2 बार हाय बोलता है, कहता है मैं तो शुद्ध होने वाला मनुष्य। हो सकता है वो बड़ाई करता हो सकता है घमंड हो, पर परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप घमंड ना करें, वरन नम्र बन जाए, दीन बन जाए और उसकी हुजूरी में रहे, क्योंकि उच्च समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाने जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं प्रेस स्वामी कि परमेश्वर आपने आज हमें सिखाया है हमें नम्र बनना है, हमें दीन बनना है। परमेश्वर प्रभु क्योंकि तू ऐसे मनुष्य को खोजता है, ऐसे मनुष्य को ढूंढता है जो मन में दीन और नम्र हो, क्योंकि ऐसो ही पल तू अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर आज हमारे मन का उच्छेद अर्थात हमारे मन का घमंड खत्म हो जाए परमेश्वर, और हम आपको ऊंचे पे विराजमान देख सके, जो तेरा सिंहासन है परमेश्वर उस पे तुझे देखने पाए, जान सके कि तू परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर सब कुछ तेरे ही हाथों में, मनुष्य की घमंड करने का स्थान कहीं है ही नहीं परमेश्वर। मनुष्य को क्या मालूम कि प्रभु आज उसका जीवन है और कल धुएं के मानिंद उड़ जाएगा। तेरा कलाम ऐसा बताता है कि तुम जो आज ये कहते हो कि हम कल ऐसा करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, तुम्हें क्या मालूम है कि कल तुम्हारा जीवन हो ही ना। प्रभु मनुष्य तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं पिता कि आप आज शाम हमें सिखाएं, जैसे आप अपने लोगों को जंगल के मार्ग से ले गए कि वो नम्र बन जाए। आज हम भी जंगलों से होके जाते हैं प्रभु, ये इसलिए है। आज मैं परीक्षाओं से होके जाते हैं परमेश्वर, क्योंकि इसलिए है कि वो हमें नम्र बनाती है, वो हमें आपकी अधीनता में रहना सिखाती है। परमेश्वर हम चाहते हैं आज हम आपकी अधीनता में रहना सीखें, हमारे जीवन नम्र बन जाए। यहां बैठे एक एक जन से आप बात करें प्रभु, आज जो इस वचन को देख रहे हैं प्रभु मैं उनके लिए विनती करता हूं। तेरा कलाम कहता है घमंड से भरी हुई आंखें परमेश्वर आपको नहीं भाती। मैं चाहता हूं यदि कोई भाई जो इस समय देख रहा है प्रभु उसके भीतर एक अहंकार पाया जाता है, एक घमंड पाया जाता है, पिता आज ही के दिन में उस अहंकार को तोड़ दीजिए, उस अहंकार को तोड़कर उस नम्र बनाइए पिता, ताकि वो उचित समय पर बढ़कर प्रभु आपके द्वारा शिरोमणि ठहरने पाए। प्रभु ऐसा ना हो कि घमंड के द्वारा उसके जीवन में ठोकर आ जाए पिता। आज शाम में आप उससे बात करें प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात में को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।